बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी चैप्टर नंबर 3 के हवाले से। और ये चैप्टर जैसे कि आप जानते हैं 9th क्लास में जो है ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के हवाले से है। और इसमें जितनी हम वीडियोस वगैरह जो अपलोड करेंगे आपके साथ वो शेयर करेंगे हम लोग, वो सारी इनपुट और आउटपुट के डिवाइसेस जो होंगी और उसके अंदर पर डिटेल होगी सारी उसके अंदर, यानी इस के अंदर सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपकी जितनी भी हैं कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ होने वाली सारी इंशाल्लाह इसके अंदर कवर अप हो जाएंगी। तो आइए आप उसको शुरू कर लेते हैं। आज का जो हमारा वैसे बेसिक टॉपिक इसके अंदर पहली वीडियो है वो कीबोर्ड के ऊपर है, यानी इनपुट डिवाइस क्या होती है और इनपुट डिवाइस के अंदर जो पहली जो डिवाइस है जो टेक्स्टुअल डेटा एंटर वगैरह करने के लिए हम यूज़ करते हैं वो कीबोर्ड होती है। तो ये कीबोर्ड के ऊपर आज की वीडियो होगी। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इनपुट डिवाइस की। तो डिवाइस दैट इज़ यूज टू, यहाँ पे आएगा टू, दैट इज द डिवाइस दैट इज यूज टू ट्रांसफर डेटा इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। यानी ऐसी डिवाइस जिसकी वजह से आप डेटा कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हो, ट्रांसफर करते हो, उस डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेज आर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड माइक्रोफोन। अगर तो आपको आता है शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर इनपुट डिवाइसेज, गिव एग्जांपल, तो फिर तो आपको सिर्फ लिखना है इतना सा पोर्शन ये वाला। और अगर आपको ये लॉन्ग में कीबोर्ड के ऊपर आ जाता है तो फिर इसके नीचे आप फिर ये डेफिनेशन लिखेंगे इनपुट डिवाइसेस के, उसमें एग्जांपल देंगे और उसके बाद फिर आप कीबोर्ड की तरफ आ जाएंगे। तो अब हम कीबोर्ड की तरफ आ जाते हैं, देखते हैं कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड इज अ स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू इनपुट टेक्स्ट इनटू कंप्यूटर। ये एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। अच्छा, स्टैंडर्ड वो है, स्टैंडर्ड इसको कहते हैं, आउटपुट में भी एक डिवाइस स्टैंडर्ड है, इनपुट में भी एक डिवाइस स्टैंडर्ड है। आउटपुट की जो स्टैंडर्ड डिवाइस है वो आप को अगर मालूम है तो आप हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और इनपुट के अंदर जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड है। अब इसको इनपुट को, इस कीबोर्ड को स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस इसलिए से कहा जाता है क्योंकि वो काम जो आप माउस की मदद से कर सकते हो वो काम कीबोर्ड की मदद से किया जा सकता है, लेकिन कीबोर्ड वाला काम जो है वो माउस से नहीं कर सकते। इसलिए माउस जो है वो आपकी स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस नहीं है, लेकिन कीबोर्ड जो है ये एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। आगे बात कर रहे हैं जी कि कीबोर्ड इज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉनिक टाइप राइटर। ये जो कीबोर्ड होता है ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक टाइप राइटर की तरह का होता है। ईच कीबोर्ड हैज अ सेट ऑफ बटन्स ओवर इट व्हिच आर यूज्ड टू एंटर टेक्स्ट और नंबर इनटू द कंप्यूटर। यानी इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर कुछ बटन्स लगे होते हैं और वो बटन्स की मदद से हम क्या करते हैं, इनको कीज कहा जाता है, उसकी वजह से हम टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं या कोई कमांड एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। नंबर एंटर किए जा सकते हैं, कोई अल्फाबेट्स एंटर किए जा सकते हैं, या कोई भी हम कमांड वगैरह जैसे हम शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ या आर्ट के साथ ही शिफ्ट प्रेस करके हम जो कमांड देते हैं, या F1 F2 जो कीज़ होती हैं उसके ऊपर फंक्शन की, उसकी मदद से, यानी हम कीबोर्ड से क्या कर रहे हैं, या तो हम नंबर एंटर करें या हम कोई अल्फाबेट्स एंटर करें या हम कोई कमांड एंटर कर रहे हैं या कोई नंबर। तो ये आप चूँकि नंबर और जो अल्फाबेट्स हैं इनको हम टेक्स्ट कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि टेक्स्ट और कमांड्स होती हैं वो आप इसकी मदद से एंटर करते हो। तो द बटन्स ऑफ द कीबोर्ड्स आर कॉल्ड कीज। ये जो बटन होते हैं इनको कीज कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स, ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, आपको पता होगा डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स के बारे में, इसके ऊपर भी आगे ऑब्वियसली वीडियो आने वाली है तो इसमें हम डिटेल में वहाँ देखेंगे ये क्या होते हैं। तो डिफेक्टो स्टैंडर्ड और डीजोर स्टैंडर्ड्स जो हैं दो तरह के होते हैं, एक डीजोर हैं और एक डिफेक्टो हैं। डिफेक्टो स्टैंडर्ड के मुताबिक पीसी कीबोर्ड हैज़ 104 कीज। यानी ये जो स्टैंडर्ड है ये कहता है कि 104 कीज़ होती हैं एक नॉर्मल कीबोर्ड के ऊपर। वैसे जो गेमिंग कीबोर्ड्स होते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा होती हैं, तो नॉर्मल जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर 104 कीज़ होती हैं, बट नंबर ऑफ द कीज़ ऑन द कीबोर्ड्स वेरीज प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर। यानी जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कीबोर्ड बनाने वाली कंपनीज हैं उनके एतबार से वो ज़्यादा भी हो सकती हैं कम भी हो सकती हैं, तो वो डिपेंड करता है प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर। अ गेमिंग कीबोर्ड हैज़ 110 टू 115 कीज़। नॉर्मल एक जो गेमिंग कीबोर्ड होता है जो गेम वगैरह खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर 110 से 115 कीज़ होती हैं। टुडे मोस्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द कीबोर्ड बाय USB और द ब्लूटूथ वायरलेस कीबोर्ड। पहले आपको पता है कि वो कीबोर्ड पोर्ट होती थी एक, उसके ज़रिए से जो गोल सी होती थी उसको आप कनेक्ट कर देते, अब तो ख़त्म हो गई। तो अब USB पोर्ट आ गई है, तो USB पोर्ट के जरिए से जो फिजिकली कनेक्ट करते हो तो USB पोर्ट के जरिए से कनेक्ट किया जाता है, या फिर आप ब्लूटूथ डिवाइसेज आई मीन आपको आपको जो है वो अपने कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड कनेक्ट करना है तो उसके लिए आप चाहते हो कि केबल नहीं होनी चाहिए, तो आप बगैर केबल के भी कीबोर्ड यूज़ करोगे, उसके लिए फिर वो आपको एक डिवाइस मिलती है साथ जो कि ब्लूटूथ डिवाइस होती है, वो आपको अपने सिस्टम के साथ, आप लैपटॉप के साथ यूज़ करना चाहें तो उसके साथ, या जो भी डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसके साथ वो डिवाइस लगा दी जाती है, वो ब्लूटूथ का काम करती है। और इधर से कीबोर्ड के साथ उसका
ऑन ऑफ का एक बटन होता है, उसको आप ऑन कर देंगे तो उससे वो ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट हो जाएगी और आप बगैर किसी केबल के जरिए से आप उसको टाइपिंग करेंगे तो वो आप टेक्स्ट जो भी आप एंटर करना चाहते हैं कमांड वहाँ से एंटर किया जा सकता है। सेल यूज़ करती है वो कीबोर्ड, तो यानी चार्जेबल होती है, कुछ चार्जेबल हैं और कुछ सेल यूज़ करती हैं, तो ये है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी कि मोस्ट डेस्कटॉप ये बता दिया मैंने आपको, और बिफोर द यूएसबी पोर्ट कीबोर्ड वर कनेक्टेड थ्रू PS2 पोर्ट। ये PS2 पोर्ट होती थी जिसके जरिए से इसको कनेक्ट किया जाता है, या सीरियल पोर्ट होती थी। ये पहले मैं वीडियो में बात कर चुके हैं, पोर्ट्स के अंदर आपको बताया था कि जो कीबोर्ड और माउस की जो पोर्ट होती हैं वो सीरियल होती हैं। PS2 पोर्ट जो थी ये भी एक पोर्ट थी जो पहले भी मैंने बताया कि पहले जो शुरू में जो कीबोर्ड आए थे उसके लिए ये पोर्ट इस्तेमाल की जाती थी, इसके जरिए से कनेक्ट होता था, लेकिन अब वो रिप्लेस हो गई और अब USB पोर्ट आती है और USB से भी आगे ब्लूटूथ भी आ चुकी है, उसके जरिए से भी कनेक्ट होता है। तो कीबोर्ड हैज़ टू फेमस लेआउट्स, वन इज़ द DWORK एंड द सेकेंड इज़ द QWERTY। ये दो तरह के लेआउट हैं जिसके ज़रिए से आप कह लो कि कीबोर्ड यूज़ किया जाता है। एक ये स्टैंडर्ड है इसका DWORK एंड एक है QWERTY, एंड मोस्ट कॉमनली यूज द लेआउट ऑफ द कीबोर्ड इज QWERTY, जो कि ज़्यादातर यही होता है। QWERTY असल में क्या है कि ये एक पहली रो आप देखते हैं यानी जहाँ पे अल्फाबेट्स लिखे होते हैं ABC, तो उसकी जो पहली रो होती है वो QWERTY होती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड QWERTY। और ज़्यादातर आपके लैपटॉप्स हो जाएँ या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आप यूज़ करें उसके साथ कीबोर्ड आप यूज़ करें तो उसके लिए QWERTY ही होती है, बट सम पीपल स्टिल यूज़ द DWORK लेआउट, कुछ लोग ये भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड कीज ऑफ द कीबोर्ड आर कॉमनली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। अब जो कीज़ हैं उनको ये 6 ग्रुप्स के अंदर हमने डिवाइड किया है और इनको हम वन बाय वन जो है वो ऑब्वियसली आपके साथ शेयर करेंगे। पहला है इसका न्यूमेरिक कीज़, उसके बाद दूसरी है अल्फाबेटिक कीज़, तीसरा है कर्सर कंट्रोल कीज़, चौथा फंक्शन कीज़, पांचवा शॉर्टकट कीज़ एंड नंबर 6 अदर कीज़। अदर कीज़ में यानी जो भी कीज़ इन पांचों में नहीं आई है तो फिर वो इन नीचे वाले 6 के अंदर जो है वो शामिल कर दी गई है। तो आइए अब हम इनको वन बाय वन जो है वो इन सारों को हम देख लेते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले न्यूमेरिक कीज़ के बारे में, तो न्यूमेरिक कीज आर यूज टू एंटर नंबर इनटू द कंप्यूटर एंड दीज आर 10 इन नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। ये जो होती हैं न्यूमेरिक कीज होती हैं ये टोटल 10 होती हैं 0 to 9 तक, और नंबर वगैरह जब भी आपने एंटर करना है तो उसके लिए न्यूमेरिक कीज यूज़ की जाती हैं। और आपको मालूम होगा कि जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर ये दो एक न्यूमेरिक कीपैड होता है जो कि बिल्कुल राइट साइड पे आप देखें कीबोर्ड के, जहाँ पे आपका नम लॉक, पेज अप, पेज डाउन, होम और एंड की वगैरह लिखी, उसके नीचे जो आपके पास आते हैं प्लस का साइन और एंटर का साइन भी उसके ऊपर मौजूद होता है, वो आपके पास एक न्यूमेरिक कीपैड है, वहाँ से भी आप नंबर एंटर कर सकते हैं। और जहाँ पे आपके अल्फाबेट्स हैं जैसे QWERTY जहाँ लिखा हुआ है उससे ऊपर वाली जो एक पूरी एक रो है वो भी आपके पास होती है, वो नंबर्स की होती है, तो आप नंबर वहाँ से भी एंटर कर सकते हैं और न्यूमेरिक कीपैड जो साइड पे है वहाँ से भी आप नंबर्स वगैरह एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है अल्फाबेटिक कीज़। अल्फाबेटिक कीज़, दीज कीज़ आर यूज टू एंटर द अल्फाबेट्स ऑफ द टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर्स। इसके मदद से आप टेक्स्ट वगैरह एंटर कर सकते हो कंप्यूटर के अंदर और अल्फाबेट्स एंटर कर सकते हो, यानी ABC वगैरह जो आपने एंटर करने वो आप कर सकते हो। दीज आर द 26 इन नंबर्स फ्रॉम A to Z, ये 26 होते हैं टोटल, यानी A से लेकर Z तक। तो यहीं से स्मॉल कैप्स लेटर्स में आप लिख सकते हो, यानी वो जो कैप्स लॉक होता है उसकी मदद से आप उसको कैपिटल में भी लिख सकते हो, या शिफ्ट प्रेस करके भी आप जो है वो अगर बटन प्रेस करोगे, की प्रेस करोगे तो वो कैपिटल वगैरह या स्मॉल के अंदर लिखा जाएगा। उसकी बात आ जाती है आपकी कर्सर कंट्रोल कीज़। कर्सर कंट्रोल कीज़ जो होती हैं ये जो एरो की बनी होती हैं 4 जिससे आप अप डाउन मूव करते हो, तो वो आपकी कर्सर कंट्रोल की, यानी कर्सर को ये कंट्रोल करती हैं। तो कर्सर कंट्रोल कीज़ आर 4 इन नंबर, ये 4 होती हैं तादाद में, ये 26 हैं, ये 10 हैं। न्यूमेरिक कीज़ 10 होती हैं, अल्फाबेटिक जो होते हैं अल्फाबेट्स 26 हैं, और कर्सर कंट्रोल कीज़ जो होती हैं ये 4 होती हैं। और दीज कीज़ आर यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन, यानी कर्सर की जो मूवमेंट होती है उसको आपने कंट्रोल, यानी कर्सर का मतलब जहाँ पे आप उसको टाइप करना चाह रहे हो या उसकी स्क्रीन की मूवमेंट को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये देखें, ये मैंने इसको जो प्रेस कर रहा हूँ तो ये कर्सर ऊपर जा रहा है, और जैसे ही ऊपर जाएगा स्क्रीन के तो ये उसको स्क्रीन को उसने मूव भी किया। तो यानी ये जो है कर्सर कंट्रोल कीज होती है, ये लेफ्ट राइट अप डाउन 4 कीज़ होती हैं इसके ऊपर। दीज कीज आर यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन। उसके बाद है जी फंक्शन कीज आपके पास आ जाती हैं। फंक्शन कीज आर यूज टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस विच वेरी एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करती हैं इसके लिए। यानी कोई ज़्यादातर वैसे लोगों को ये होता है कि आप हमें F1 से लेकर F12 तक सारी कीज़ बता दें ताकि हमें पता हो कि F1 क्या करती है, 2 क्या करती है, 3 क्या करती है। देखें ये फंक्शन कीज़ है, ये फंक्शन कीज़ होती हैं, ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करती हैं। मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हो सकता है कि आपके पास कुछ स्टैंडर्ड ज़रूर हैं
कि F1 जो होती है वो ज़्यादातर हेल्प के लिए हम यूज़ करते हैं और हर एप्लीकेशन में तकरीबन ये हेल्प के लिए होती है। जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे तो उसकी जो हेल्प एंड सपोर्ट है उसके लिए आप F1 प्रेस करेंगे तो आपकी हेल्प एंड सपोर्ट आपको उसकी मिलेगी। लेकिन आप यहाँ पर बात याद रखें कि हर सॉफ्टवेयर जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर वेरी कर जाएगा, यानी अगर आप जो है वो कोई गेम यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर हो सकता है कि F3 जो है या F4 F5 जो होते हैं वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं, और जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल और पावर पॉइंट वगैरह यूज़ कर रहे हैं या आप इनपेज यूज़ कर रहे हैं या कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर उनका अपना एक डिफरेंट फंक्शन हो सकता है। तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। तो इसलिए ये नहीं बताया जा सकता कि F1 से F12 तक आपको सारे बता देने, क्योंकि वो वेरी कर जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर आपने देखना है कि F1 से F12 तक क्या फंक्शन है तो उसका मतलब है कि फिर आपको स्पेसिफिक कोई सॉफ्टवेयर जो है उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करना होगा। अगर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, क्योंकि हमने सीरीज एक बनाई हुई है 10th क्लास के अंदर, वहाँ से आप देखिएगा कि पूरी कीज आपको बताई गई है, वहाँ से F1 से F12 तक उनका फंक्शन बताया गया है, फिर उनको कॉम्बिनेशन के साथ बताया गया है, शिफ्ट के साथ बताया गया है, आल्ट के साथ बताया गया है, कंट्रोल के साथ बताया गया है, उनके कॉम्बिनेशन यानी जो कंपाउंड कॉम्बिनेशन होता है जैसे कंट्रोल आल्ट और F1 F2 F3 इस तरह करके उसके कॉम्बिनेशन के साथ बताया गया, वो आप उसको देख सकते हैं। और ये वेरी कर सकते हैं, मैक्सिमम वर्ड में और हैं, एक्सेल में और हैं, पावर पॉइंट में और हैं, इन पेज में और हैं, बाकी अदर सॉफ्टवेयर के अंदर और हैं। तो ये आप यहाँ से देखिएगा इसको। तो देखिए जी, फंक्शन कीज ऑन द पीसी कीबोर्ड आर, यानी पीसी यानी पर्सनल कीबोर्ड, पर्सनल कंप्यूटर कीबोर्ड, जिन जो हम अपना कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं जिसको माइक्रो कंप्यूटर्स भी कहा जाता है, तो आर 12 इन नंबर्स, ये 12 होती हैं नंबर्स के अंदर। दीज आर फ्रॉम F1 टू F12, यानी F1 F2 F3 आपने देखी हैं कि F12 तक होती हैं ये कीज। एंड F1 की इज इन मोस्ट कंप्यूटर इज यूज फॉर हेल्प, एंड Alt F4 जैसे कि कॉम्बिनेशन में देखें, Alt F4 इज यूज टू क्लोज अ विंडो, जो विंडो है आपकी उसको क्लोज करने के लिए इस्तेमाल, ये छोटा सा इसका यहाँ पे जस्ट आप कह लें एक पर्टिकुलर यूज़ बता दिया, यानी एक ही का बता दिया और उसके बाद आपको ये बता दिया कि इसका कॉम्बिनेशन के साथ ये काम कर सकती है। बाकी जैसे मैंने बताया कि F1 से F12 तक सारा उसका बताना वो यहाँ पॉसिबल नहीं है, वो शायद इस लिस्ट के अंदर भी उसको मौजूद भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेपरेट एक टॉपिक ही वो अलग बन जाएगा, क्योंकि कीबोर्ड के जरिए से ही हम सारा कुछ कंप्यूटर कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप सोचें कि कितना कुछ हो रहा है काम पूरी दुनिया के अंदर, तो सोचें फिर क्या कुछ बन सकता है इसके ऊपर, बहुत कुछ है, लेकिन हर टॉपिक को एक ही अंदर घुसेड़ना एक अच्छी बात नहीं है। इसलिए जितना रेलिवेंट था वो यहाँ पे आपको इसके हवाले से बता दिया गया। उसके बाद है जी शॉर्टकट कीज, शॉर्टकट कीज आर यूज्ड डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, ये क्या लाइन लिखी हुई है, शॉर्टकट कीज आर यूज्ड डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, ये मैं लाइन इसकी देखता हूँ यहाँ पे कि इसका मीनिंग क्या है। और आगे देख लीजिए, द वर्क अलॉन्ग विद द अदर they work along with other keys to perform a function. Shortcut keys do not work. यहाँ पे आना है जी आर यूज नहीं आएगा, शॉर्टकट कीज डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, ये यहाँ पे आएगा कि जो शॉर्टकट कीज होती हैं ये अकेली काम नहीं करती, डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ये काम नहीं करती, दे वर्क अलॉन्ग विद अदर कीज टू परफॉर्म द फंक्शन, ये दूसरी कीज के साथ मिलकर कोई काम करती हैं। कंट्रोल आल्ट शिफ्ट आर कॉल्ड द शॉर्टकट कीज, ये जो कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट हैं ये शॉर्टकट कीज कहलाती हैं, यानी आप कंट्रोल खाली प्रेस करें, शिफ्ट खाली प्रेस करें, आल्ट खाली प्रेस करें, इससे कोई काम नहीं होगा। इन्होंने जब भी काम करना है तो दूसरी कीज के साथ मिलकर काम करना है, इंडिपेंडेंटली इनका कोई फंक्शन नहीं होता। अलबत् शिफ्ट की को आप 5 times प्रेस करें तो वो एक हॉल्ट की आपके पास सामने आ जाती है, वो गलत फंक्शन है, लेकिन ज़्यादातर जो हम काम लेते हैं वो इनका दूसरे के साथ कीज के साथ कॉम्बिनेशन से लेते हैं। दीज कीज आर यूज्ड इन पेयर्स टू वर्क प्रॉपरली, पेयर्स में यूज़ होते हैं, यानी एक की है साथ कोई उसका पेयर आएगा तब ये काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल एस, आप यहाँ पे देखिए कंट्रोल के साथ एक और पेयर बना एस का, एस एक की है शॉर्ट कमांड जो कि अल्फाबेट है, और उसके बाद कंट्रोल की प्लस का मतलब है कि आपने दोनों कीज को प्रेस करके रखना है। इज़ यूज्ड टू सेव अ फाइल, ये फाइल को सेव करने के लिए इस्तेमाल होती है। Alt F4 है तो वो एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होती है। Shift प्लस होम इज यूज टू हाईलाइट द टेक्स्ट फ्रॉम करंट पोजीशन टू द स्टार्ट ऑफ द लाइन, Shift होम प्रेस करेंगे तो ये जहां आपकी करंट पोजीशन है उससे स्टार्ट ऑफ द लाइन तक ये उसको जो है वो यानी ये मेरी करंट पोजीशन है, यहाँ मैं Shift होम प्रेस करता हूँ, तो ये आपने Shift होम प्रेस किया तो देखें कि लाइन जो एन है वहाँ पे मेरी थी और यहाँ पे जो कर्सर था, और मैंने शिफ्ट होम जैसे प्रेस किया तो उसने क्या किया कि यहाँ से लेकर
और ये बैक यहाँ तक ये लाइन का स्टार्ट है, उसने उसको हाईलाइट कर दिया, ये सिलेक्शन के अंदर इस्तेमाल है। अब ये भी एक इसका यूज है। सिमिलरली द शिफ्ट प्लस एंड जो होती है इज यूज टू सिलेक्ट द टेक्स्ट फ्रॉम द करंट पोजिशन टू द एंड ऑफ द लाइन। फॉर एग्जाम्पल मैं ये यहाँ पे ये जैसे जहाँ लिखा हुआ है ना जी, ये मैं कहाँ पे करूँ, ये कॉल्ड लिखा हुआ है, मैं कॉल्ड के बिल्कुल स्टार्ट पे, मैं कहता हूँ कि इस कॉल्ड से यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये सिलेक्ट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा शिफ्ट एंड प्रेस करूँगा। तो अब ये देखें कि ये उस की के उस यानी उसके एंड तक जो है इसने प्रेस किया है, पेज होम पेज डाउन जो है उसकी मदद से भी ये जो है नीचे हो जाता है, ये इसने यानी कॉल्ड से लेकर एंड ऑफ द लाइन तक इसने जो है उसको यानी इसको ये क्या करेगा कॉल्ड से लेकर और ये एंड ऑफ द लाइन तक ये इसको हाईलाइट करेगा। मीन्स के कॉल्ड और उसके बाद जो है वो एंड प्रेस करेंगे तो ये पूरी लाइन आ जाएगी, या हम यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से लेकर बैक ऑफ द लाइन मूव कर जाएगा कंट्रोल होम के अंदर, शिफ्ट होम के अंदर ये। तो इस तरह ये यानी एक कमांड्स हैं जिसकी मदद से इसको यूज़ किया जा सकता है, और आप इसी तरीके से पेज अपर पेज डाउन से आप इसको पूरे को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ से आप चाह रहे हो कि ये बिल्कुल नीचे तक उसको सेलेक्ट कर ले, उसके लिए पेज आप डाउन करेंगे तो वो सारा इस तरीके से देखें तो नीचे तक उसको कर लिया। तो ये एक पेज तक जो पूरा पेज होगा उस तक वो उसको ले आएगा, ठीक है, यहाँ से उसने सेलेक्ट करके उसने नीचे तक ले गया। तो ये खैर आगे हम शॉर्टकट कमांड जो है उनके अंदर ऑब्वियसली हम उनको देखेंगे, तो जहाँ पे मजीद इनको जो है किया जा सकेगा। तो ये जी अच्छा, अब ये शॉर्टकट कीज़ भी आपको समझ लगी होंगी यहाँ पे कि जो है वो आल्ट और ये जो है वो क्या है, और उसके बाद हम आ जाते हैं अदर कीज़ के ऊपर। जी अदर कीज़ मैंने आपको बताया कि अदर कीज़ के अंदर जो है वो सारी कीज़ जो है वो हम यहाँ पे शामिल की हैं जो कि बाकी ऊपर वाली में नहीं आई हैं। तो इसको देखते हैं, अदर कीज इंक्लूड ऑल दोज कीज विच आर नॉट मेंशन अबव, दीज आर द टैब की, कैप्स लॉक की, एस्केप की, प्रिंट स्क्रीन की, इंसर्ट की, डिलीट की, बैकस्पेस की, नम लॉक की, एंटर की, स्पेस की, विंडो की, एंड स्पेशल सिंबल कीज जो कि एट द रेट, स्टैरिक, डॉलर साइन, परसेंटेज साइन, पावर साइन, ठीक है, ब्रैकेट्स, ये सारी इसके ऊपर इसके अंदर आ जाएंगे सिंबल्स के अंदर। लो जी अब इसमें आप देख लें, टैब की इज यूज टू मूव the cursor from one cell to an other cell of the table। ये six जो होती हैं tab जो होता है वो एक tab space देने के लिए भी आप इस्तेमाल करते हो। तो अगर हम यानी कोई table के अंदर आप काम कर रहे हो तो एक table से jump करना है तो या तो उसके cursor control की से जो है वो आप move कर सकते हो आगे, या फिर आप tab press करोगे तो directly उससे अगले cell के अंदर move कर जाएगा। उसके बाद है जी caps lock की is used to write the alphabets in capital letters। अब यानी जैसे कैप्स लॉक की आप प्रेस करते हो तो कीबोर्ड के ऊपर एक लाइट होती है कैप्स लॉक के ऊपर, वो ऑन हो जाती है और उससे फिर आप जो भी लिखोगे, जैसे मैं अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली, लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये अली उसने जब लिखा है तो उसमें स्मॉल लिखा है। अब मैं यहाँ पे इसको ये उसने ऑटो करेक्शन कर दी क्योंकि नाम है तो उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ऑटो करेक्ट कर दिया। अब मैं इसको कैप्स लॉक को मैंने ऑन कर दिया, अब मैं अली लिख रहा हूँ ALI, अब मैंने अली लिखा है तो उसने क्या किया है सारा कैपिटल के अंदर लिख दिया। तो ये है इसके अंदर जो है वो आप कह लो कि कैप्स लॉक का काम, और कैप्स लॉक अगर की आपकी जो है वो ऑन होगी तो सारे कैपिटल्स में लिखे जाएंगे, और अगर ये ऑफ होगी तो सारे स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद है एस्केप की, एस्केप की इज़ यूज टू एग्जिट फ्रॉम द स्क्रीन मोड, फुल स्क्रीन मोड एंड और एग्जिट फ्रॉम द कमांड आर मेन्यू, किसी कमांड से यानी स्क्रीन के ऊपर कमांड आई हुई है, अगर आप उसको उसके ऊपर ना को क्रॉस का बटन है ना क्लोज का कुछ भी लिखा हुआ तो आप एस्केप प्रेस करोगे तो वो वहाँ से वो एक तो वो खत्म हो जाएगी, या कोई मेन्यू आपने ओपन किया हुआ है तो वो मेन्यू जो है वो यहाँ से वो आपका एस्केप की से वो जो है वो खत्म हो जाएगा, या आपने फुल स्क्रीन की होती है तो फुल स्क्रीन से बाहर आने के लिए भी आप एस्केप प्रेस करोगे तो फुल स्क्रीन से आप बाहर आ जाओगे। इस तरीके से PRT स्क्रीन जो लिखा हुआ है, PRT स्क्रीन है प्रिंट स्क्रीन, दैट इज़ यूज टू टेक द स्नैपशॉट ऑफ द स्क्रीन आउटपुट, स्क्रीन का जो आउटपुट आ रहा है इसका मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ तो उसकी मैं प्रेस करूँगा। और ये मैं आपको बता दूँ कि आप इसको प्रेस करोगे, इसे मैंने प्रेस कर दिया ये, तो ये एक स्क्रीन का एक एरिया आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे एक और सॉफ्टवेयर यूज़ किया हुआ मैंने जहाँ से मैं इसको यहाँ से कर सकता हूँ, इसको यानी जितना एरिया मुझे चाहिए वो मैं सेव कर सकता हूँ। लेकिन आपके पास अगर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो उसके अगर आप प्रिंट स्क्रीन जो है वो आप प्रेस करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपको लगेगा प्रिंट स्क्रीन कैसे हुआ, कहाँ गया स्नैपशॉट, वो नहीं, एक्चुअली फोटो की फॉर्म में उसने इसको कैप्चर कर लिया है। अब आपको किसी भी फोटो एडिटर में जाना है और फोटो एडिटर के जाके उसके अंदर उसको पेस्ट कर देना, जब आप पेस्ट करोगे तो एक्चुअली इसका जो स्क्रीन शॉट होगा एग्जैक्ट जाके वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, बात शायद समझ लगी आपको। तो ये आप करके देख लीजिएगा। और उसके बाद इंसर्ट की, इंसर्ट की इज यूज टू शफल बिटवीन इंसर्ट मोड एंड ओवरराइट मोड। अब इसमें अब मेरे कंप्यूटर के अंदर अपन ये काम करता है कि नहीं, जैसे मैं यहाँ पे देखें कि ये स्क्रीन, ये जो लिखा हुआ है स्क्रीन, इसमें
आर और ई के दरमियान में लिखता हूँ 1 2 3 1 2 3। तो आपने देखा कि जो डबल ई है एन वो आगे मूव कर गया और इसके दरमियान ये जो है वो इंसर्ट हो गया। अब मैं इसको अगर इंसर्ट की काम करें ना तो वो उसको ओवरराइट मोड में ले जाती है। जैसे मैंने इसको प्रेस किया है, अब मैं इसको प्रेस करता हूँ 1 2 3। इसके ऊपर ये काम नहीं कर रही, कुछ कीबोर्ड के ऊपर ये काम करती है। और एक्चुअल में होता ये है कि जो इंसर्ट मोड होता है ये इसमें ये होता है कि जो भी आप टेक्स्ट में लिखोगे वो स्क्रीन के दरमियान इंसर्ट हो जाएगा और बाकी टेक्स्ट आगे चला जाएगा। एक होता है ओवरराइट मोड कि जैसे ये है, मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा तो ये इसका रिमूव हो जाएगा और उसके ऊपर लिखा जाएगा। पहले ये कीबोर्ड में ये ऑप्शन होती थी, अब ज़्यादातर कीबोर्ड के अंदर ये नहीं है। तो इंसर्ट की का लफ्सी या आप कह रहे हो कि इसका जो पर्पज़ है वो ये होता है कि जो की होती है जो आप टेक्स्ट लिख रहे होते हो उसको ओवरराइट मोड है तो उसको इंसर्ट मोड या इंसर्ट मोड से ओवरराइट मोड में आने के लिए इसको इंसर्ट की को इस्तेमाल किया जाता है। लो जी, उसके बाद है डिलीट की। डिलीट की इज़ यूज टू डिलीट द सिलेक्टेड टेक्स्ट और अ फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर। यानी आपको मैं ये टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेता, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं डेल प्रेस करूँगा यहाँ से तो डिलीट हो जाएगा। या मैं कोई फाइल डिलीट करना चाहता हूँ तो फाइल डिलीट की से डिलीट की जा सकती है। डिलीट की डिलीट द लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ द करंट पोजिशन। यानी ये जो लिखा हुआ है ना, बैक स्पेस के साथ इसका डिफरेंस है, बैक स्पेस का नीचे लिखा वो आपको पता चलेगा। अगर डिलीट प्रेस करेंगे ना तो ये यहाँ से राइट साइड से इसको डिलीट करेगा। जैसे पी डिलीट हो जाएगा, ओ डिलीट हो जाएगा, एस डिलीट हो जाएगा, आई टी, आपने देखा कि राइट साइड से डिलीट हो रहा है। मैं की प्रेस कर रहा हूँ, ये मैं इसको अंडू कर देता हूँ क्योंकि ये ऑब्वियसली टेक्स्ट है तो ये चाहिए हमें यहाँ। तो पोजिशन ये था। अच्छा जी, तो ये हो गया। यानी जो डिलीट की होती है वो राइट साइड से टेक्स्ट को जहाँ पे कर्सर होगा उसके राइट साइड से इसको डिलीट करेगा। और बैक स्पेस की इज यूज टू डिलीट द लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। सपोज करो यहाँ पे ये है, अब इसको मैं अगर बैक स्पेस करूँगा तो ये एन ओ आई टी, ठीक है, इस तरीके से ये डिलीट करेगा। तो ये लेफ्ट साइड से डिलीट करता है। ये एक डिफरेंस पूछा जाता है कि बैक स्पेस की और डेल की में क्या फ़र्क होता है। तो जो बैक स्पेस की होती है वो लेफ्ट से करेक्टर्स को डिलीट करती है, जो डिलीट की होती है वो राइट साइड से करेक्टर्स होती हैं उसको डिलीट करती है। और अगर आप सिलेक्ट कर ले तो फिर बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो फिर तो वो सारे इसको जो है वो ख़त्म कर देगा, और सिलेक्ट करके डेल करेंगे तो सारा ही उसको डिलीट कर देगा। उसके बाद है जी नम लॉक। नम लॉक की इज़ यूज टू लॉक एंड अनलॉक द न्यूमेरिक कीपैड। अब आप देखेंगे जो राइट साइड पे आपका न्यूमेरिक कीपैड होता है, ये बाज़ दफ़ा आप इसको प्रेस करते हो तो वो जो है वो जो बटन्स होते हैं इसके ऊपर, यानी 4 8, ये वाले जो 4 8 6 2 वाले, ये आपका बाज़ दफ़ा स्क्रीन को अप डाउन लेफ्ट राइट मूव करते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो नम लॉक है वो आपका ऑफ है, यानी जो न्यूमेरिक है नंबर वो ऑफ किए गए हैं वहाँ पे। तो जब वो ऑफ है तो इसका मतलब फिर आप उसमें से नंबर जो है वो आप एंटर नहीं कर सकते। तो अगर आपको नंबर एंटर करने हैं तो फिर आपको नम लॉक जो की है आपके जो नम लॉक की है उसको आपको एक बार प्रेस करना होगा, तो फिर आप वहाँ से नंबर वगैरह वहाँ से आप कर सकते हो। तो यानी अगर वहाँ से नंबर एंटर नहीं हो रहा है तो ये नहीं मतलब कि वहाँ से कीबोर्ड ख़राब हो गया, एक्चुअल में ये है कि उसका मोड चेंज हुआ हुआ है कि आप उसको मदद से आप उसको कर्सर कंट्रोल की का काम लेना चाह रहे हैं तो उसको आप लॉक कर दें नंबर्स को, और लॉक हो जाएगा। अगर आप उसको अनलॉक कर देंगे तो फिर नंबर्स वहाँ से आप एंटर कर सकते हो। ये हो गया नम लॉक। उसके बाद है एंटर की। एंटर की इज़ यूज टू एंटर द कमांड। कोई कमांड है जैसे फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है कि डू यू वॉन्ट टू प्रोसीड, और नीचे लिखा हुआ है येस नो या कैंसिल। तो आपने येस के ऊपर ला के जैसे एंटर करेंगे तो वो कमांड उसको चली जाएगी और रिसीव कर लेगा, ठीक है। तो कोई कमांड एंटर करने के लिए मूव द कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ द लाइन, यानी कोई किसी लाइन के शुरू में आने के लिए, जैसे यहाँ पे इसके मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये उसने अगली लाइन के स्टार्ट में ले आया है। अंडू कर देते हैं इसको। लो जी, तो ये यानी जो कर्सर जो एंटर की होती है ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट पे ले जाता है, नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट पे ले जाता है उसको। या फिर कोई कमांड वगैरह एंटर करनी है तो उसके लिए भी एंटर की जो है वो इस्तेमाल की जाती है। स्पेस की इज़ यूज टू गिव द स्पेस बिटवीन द लेटर्स एंड वर्ड्स। कोई वर्ड है तो उसमें स्पेस आपने देनी है तो उसके लिए स्पेस की इस्तेमाल किया जाती है। सबसे लंबी की होती है यानी कीबोर्ड के ऊपर लॉन्गेस्ट की ओवर द कीबोर्ड दैट इज कॉल्ड स्पेस। तो ये आप प्रेस करेंगे तो ये स्पेस आती जाएगी क्योंकि मैंने बैक स्पेस कर दिया इसको यहाँ से। तो ये आ गया जी यहाँ तक। उसके बाद आ जाता है विंडो की। विंडो की इज़ यूज टू ओपन द विंडो मेन्यू इजी स्टार्ट। तो इसकी वजह से जैसे मैं विंडो की प्रेस करता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पर विंडो 10 हुई है तो इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ये सारा जो है इसके ऊपर चीज़ आ गई हुई है। तो यानी इसकी मदद से आप ये शॉर्टकट की के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, और इससे आप अपना जो स्टार्ट बटन होता है उसको आप जाने के लिए कंप्यूटर्स में एंटर होने के लिए आप विंडो की इस्तेमाल करते हो। स्पेशल सिंबल जैसे कि आपके एट द रेट हो गया है, एट द रेट हैश साइन, उसके बाद डॉलर साइन, परसेंटेज, एम्परसेंड साइन, स्टैटिक, ये कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड द क्वेश्चन मार्क एटसेट्रा वगैरह। दी सिंबल्स आर usually inserted by pressing the shift key along with the relevant key। अब यानी आपको
एंटर करना है डॉलर साइन। अब मेरे जैसे मेरे पास लैपटॉप है तो लैपटॉप के ऊपर जो एट द रेट है वो टू के ऊपर लिखा हुआ है। मैं अगर टू प्रेस करूँगा तो टू प्रेस होगा। मुझे अगर एट द रेट प्रेस करना है तो मैं शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा और फिर टू का बटन प्रेस करूँगा तो एट द रेट जो है ये इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। तो ये कुछ कीज़ के ऊपर लिखे होते हैं, तो जो ऊपर उनके लिखे होते हैं उसको अगर आपने कीबोर्ड से कोई भी आपने कोई जो कमांड आपने देनी है तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे कि शिफ्ट के साथ उसको आप करोगे तो ये लिखा जाएगा सारा। ले जी, ये था हमारा आज का टॉपिक और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। 25 मिनट से ज़्यादा हो गया टाइम, और अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो इसको कर लें डिसलाइक। और हमेशा की तरह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।